हाँ तो गाइस, फिर से बोट की तरफ से उनका एक बजट प्राइस वाला साउंड बार लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम होगा बोट अवान्ते बार 590, या फिर आप बोल सकते हो बोट अवान्ते बार 610। अब आप मुझसे बोलोगे यार भाई ये दो नाम क्यों, तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो सेम प्रोडक्ट है ना वो फ्लिपकार्ट पर अलग नेम से लॉन्च हो रहा है एंड सेम प्रोडक्ट अलग नेम से अमेजोन पे लॉन्च हो रहा है। आपको पता है बोट का ये काफी पहले से चला आ रहा है सेम प्रोडक्ट को दोनों प्लेटफॉर्म पर अलग अलग नाम से लॉन्च करना। अभी आपने देखा होगा बोट का स्मार्ट वॉच लॉन्च हुआ था बोट फोर्स, उससे पहले लॉन्च हुआ था बोट आर्मर। दोनों सेम प्रोडक्ट है, सेम फीचर्स है, सेम प्राइस है, लेकिन दोनों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया तो दोनों का नाम भी अलग अलग दे दिया। तो यही सेम प्रोडक्ट है बोट का नया साउंड बार बोट अवान्ते बार 590 या फिर 610 आप बोलो, सेम फीचर्स है, दोनों अच्छी खासी क्वालिटी में आपको मिलेंगे, यानी कि एक्चुअल में प्रोडक्ट आप बोल सकते हो कि एक ही प्रोडक्ट है। आज के स्टूडियो में बताने वाला हूं इसके सारे फीचर्स की, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या प्राइस आएगा, कब लॉन्च होगा, सब कुछ आपको स्टूडियो मिल जाएगा। आप लोगों के काफी सारे सवाल मुझसे होते हैं कि यार हमको एक सस्ता सा साउंड बार चाहिए जिसमें जो क्वालिटी है वो अच्छी खासी आपको मिले, सभी चीज आपको मिल जाए। तो भाई इस वीडियो में बने रहिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। देखो भाई प्राइस की बात करता हूं, भाई 1999 के समथिंग बताया जा रहा है कि इसका जो प्राइस होगा वो 2000 के नजदीक आएगा और काफी अच्छी प्राइस रेंज में काफी अच्छे फीचर्स आपको मिलेंगे। अब वो कैसे वो आपको आगे बताऊंगा। लॉन्च डेट आने वाली है भाई समथिंग 10 से पहले पहले ही अवेलेबल हो जाएगा दोनों ही प्लेटफॉर्म पर, अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट, दोनों पर ही अवेलेबल हो जाएगा। बात करता हूं पहले इसकी डिजाइन की। भाई डिजाइन साउंड बार में जो डिजाइन होती है उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट डिजाइन आपको मिलेगा, एक स्पीकर टाइप आप बोल सकते हो स्पीकर टाइप डिजाइन मिलेगी, देखने में अच्छी खासी है, काफी प्रीमियम डिजाइन आपको देखने मिल जाएगी। सेम कलर वही एक ब्लैक कलर आता है बोट में, वही आपको देखने मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करता हूं उसके साउंड सेक्शन की, तो भाई यहां पर आपको 2.0 चैनल 25 वोल्ट का सराउंड साउंड देखने मिलेगा। और आपको पता है जो प्रोडक्ट है वो बोट का है तो बोट का सिग्नेचर साउंड आपको मिलेगा, जिससे कि जो बेस की क्वालिटी है वो काफी अच्छी मिल जाएगी। बोट के सिग्नेचर साउंड में जो बेस है वो काफी बूस्ट होता है, काफी तगड़ा होता है, तो यहां पर 25 वोल्ट मिल रहा है। एक स्पीकर से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, 25 वोल्ट है, अच्छा खासा बेस और अच्छी खासी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड यहां पर आपको ड्यूअल पैसिव रेडिएटर भी मिलेंगे, जिससे कि जो बेस की क्वालिटी है ना वो थोड़ा और इंप्रूव आपको देखने मिलेगी। भाई बेस की क्वालिटी के लिए यहां पर आपको अलग से रेडिएटर मिलेंगे, जिससे कि जो क्वालिटी है वो और भी बूस्ट हो जाएगी, जिससे कि जो एक्चुअल साउंड होगा ना वो काफी बढ़िया आपको देखने मिलेगा। मल्टीपल इक्यू मोड है, अगर आप चेंज करना चाहो तो वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। भाई देखो जो साउंड की क्वालिटी है वो मे बी यहां पर आपको काफी अच्छी मिलेगी। बाकी अगर आप टेस्ट आउट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे अनबॉक्सिंग वीडियो लाऊं या नहीं, अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि इसमें एक्चुअल जो साउंड है वो हमको कैसा मिलेगा। बाकी अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूं तो भाई ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आपको मिलेगा, 10 मीटर की वायरलेस रेंज आपको मिलेगी एंड यहां पर आपको मल्टीफंक्शनल बटन देखने मिल जाएंगे। वॉल्यूम अप डाउन आपको करना हो, प्ले पॉज करना हो, सारा कुछ के लिए आपको बटन मिल जाएंगे एंड यहां पर आपको ऑक्स का सपोर्ट मिल जाएगा। आप इसमें ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें आपको यहां पर देखने मिल जाएगी। देन यहां पर आपको बैटरी सिस्टम यहां पर देखने मिलेगा, यहां पर आपको बैटरी बैकअप मिलेगा 7 घंटे का। अगर आप सिंगल चार्ज करते हैं इसको तो 7 घंटे का बैकअप मिलेगा, लेकिन भाई वो डिपेंड करेगा आपके यूजर्स पर कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो। हार्डली यूजर्स पर लगभग 4 से 5 घंटे का बैकअप आपको देखने मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से भाई ठीक है। यहां पर आपको साउंड क्वालिटी के हिसाब से बैटरी बैकअप अच्छा खासा देखने मिल रहा है। बाकी एक सबसे अच्छी बात कि यहां पर आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल चीज है भाई, काफी जल्दी काफी फास्ट आप इसको वापस से चार्ज कर पाओगे। तो ये है सारे इस नए साउंड बार के फीचर्स, जो कि काफी अच्छे हैं, प्राइस भी अच्छी है। भाई मुझे जहां तक लगता है इसका जो एक्चुअल साउंड होगा ना वो काफी बढ़िया होगा, क्योंकि कम प्राइस में काफी अच्छा साउंड आप बोट यहां पर प्रोवाइड करवा रहा है। बाकी देखते हैं इसमें कैसी क्वालिटी आती है, कोई इसके साथ में कंपेरिजन या फिर कोई सवाल मुझसे हो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।